विधुना में पुलिस अधीक्षक औरैया अपर्णा गौतम, अपर पुलिस अधीक्षक शिष्यपाल के निर्देशन, सीओ विधुना मुकेश प्रताप सिंह के पर्यवेक्षण में अपराधियों की गिरफ्तारी और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नाजायज शराब को लेकर चलाए जा रहे अभियान ने बड़ी संख्या में लहन जहां नष्ट की, वहीं कच्ची शराब और शराब बनाने की भट्टी बरामद कर एक महिला समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस की कार्रवाई से नाजायज शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें औरैया जिले के कस्बा विधुना के मोहल्ला आदर्श नगर में कोतवाली के उप निरीक्षक राजेश कुमार सिंह, उप निरीक्षक अमर सिंह, उप निरीक्षक नरेंद्र कुमार, कांस्टेबल अभिनव, विजय गुप्ता, ऋतु भारती मुखबिर की सूचना पर आदर्श नगर मोहल्ला पहुंचे, जहां ओमपाल पुत्र सियाराम, सुमन पत्नी राम नारायण छापेमारी के दौरान अवैध रूप से अपने घर में कच्ची शराब का निर्माण कर रहे थे। पुलिस ने शराब भट्टी में 35 लीटर अवैध शराब बरामद की। वहीं मुन्नी देवी पत्नी श्रवण ने घर में अवैध रूप से शराब की भट्टी लगाकर कच्ची शराब बना रही थी। पुलिस को देखकर मौके से भाग गई। बता दें छापेमारी के दौरान प्लास्टिक के पीपों से जमीन में 35,000 लीटर लहन बरामद हुआ, जिसे मौके पर नष्ट कर दिया गया। पुलिस ने ओमपाल पुत्र सियाराम, सुमन उर्फ सोनीश्री पत्नी राम नारायण निवासी गढ़ सूरजपुर आदर्श नगर को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की है। जनपद के सभी थानों में पंचायत चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब की रोकथाम हेतु लगातार कार्रवाई की जा रही है और आज इसी कार्रवाई के क्रम में थाना विधुना के कस्बे में जो आदर्श नगर कॉलोनी है, इसमें से तीन लोगों को हमारे द्वारा अरेस्ट किया गया है। इनके पास से करीब 12 से 15 ड्रम्स में 4,500 लीटर लहन इनके द्वारा स्टोर किया गया था, उस लहन को भी नष्ट किया गया है और 40 लीटर करीब जो अवैध शराब है वो भी बरामद की गई है। इनमें एक महिला भी शामिल है, उसको भी अरेस्ट किया गया है और अन्य जो लोग भी इसमें सम्मिलित हैं उनको भी इसमें जांच पड़ताल करके कौन कौन लोग सम्मिलित थे उन पर भी लगातार दबिशी कार्रवाई की जाएगी और पंचायत चुनाव के मद्देनजर ये बड़ी कार्रवाई थाना विधुना की पुलिस द्वारा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।